Hi everyone, please subscribe to my channel to get more such videos and don't forget to press the bell icon to get notified. दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमक पारे, जो कि बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसे आप घर पे आराम से बना सकते हैं और ये होममेड स्नैक्स है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट मेंशन कर रखे हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो और ये हम वीडियो में भी फॉलो करेंगे। और मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि हम कितनी और कैसे क्वांटिटी इन सामान की हम यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं हम नमक पारे। तो हम नमक पारे के लिए ये सब मैंने चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो इस बाउल में जो मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये हमने मैदा रखा हुआ है जो कि 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा है। तो थोड़ा सा क्रिस्पी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें रवा जो कि सूजी है, मैं सूजी मिक्स कर रही हूँ। तो ये 250 ग्राम मैदा के लिए 50 से 100 ग्राम मैंने हम रवा यूज़ करेंगे क्रिस्पी टेस्ट देने के लिए। फिर नमक पारे में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिलाएंगे सॉल्ट, देन फिर हम अजवाइन मिलाएंगे। और हम जब एक चीज़ हमें ध्यान रखना, जब हम मैदा गूंदेंगे लाइक आटे की तरह जैसे हम रोटियां बनाते हैं वैसे जब हम करेंगे, तो उसमें हम सॉल्ट, अजवाइन, सूजी ये डालेंगे और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे नमक पारे होंगे वो थोड़े से सॉफ्ट होंगे, अदरवाइज अगर आप रिफाइंड यूज़ नहीं करोगे तो वो थोड़े से लाइक वो हार्ड हो जाएंगे, वो क्रिस्पी वाला और जो सॉफ्टनेस वाला जो होता है टेस्ट वो नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो हमने मैदा गूंद लिया है जैसे हम आटा गूंदें, और इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली। अब जैसे हम रोटियां बेलते हैं वैसे उसको बेलेंगे और फिर इसके छोटे छोटे इसको नाइफ से हम इसको कट करेंगे, देन हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब हमने नमक पारे जो कट करके रखे थे वो फ्राई हम करेंगे। इसके लिए मैंने रिफाइंड ऑलरेडी कढ़ाई पे रख दिया, ये अब गर्म हो रहा है तो अब मैं इसे रिफाइंड में डाल रही हूँ। इनको हम धीरे धीरे से रिफाइन में डालेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो गैस की फ्लेम होगी बहुत ज़्यादा तेज ना हो और बहुत ज़्यादा उसकी धीरे भी ना हो, क्योंकि जब गैस की फ्लेम तेज होगी तो उसमें क्या है कि नमक पारे बाहर से जल जाएंगे बट अंदर से वो पकेंगे। देख रहे हो मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और ये फ्राई हो रहे हैं। और इनको फ्राई होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा अच्छे से और ये फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो अब नमक पारे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। तो आप बनाइएगा घर पे जैसा मैंने बताया आपको, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रेसिपी, ये जो स्नैक्स है ये कैसा लगा आपको। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो आपको एक नई नई चीज़ें आपको हमेशा मिलती रहें और आप घर पर ऐसी अच्छी चीज़ें बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।